ही है, करीब करीब जो है वो जो जुड़ते जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। हेलो वेलकम गाइस, एयर ब्लॉक इंडिया में हार्दिक स्वागत है। तो गाइस आए हैं यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर श्री तालेश्वर बाबा धाम के नाम से जाना जाता है मंदिर। आप लोग गेट पे लिखा हुआ देख सकते हैं। तो इस मंदिर का सारा रिव्यू करेंगे, मंदिर को दिखाएंगे और यहाँ के पुजारी जी से आपसे बात कराएंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहें अंत तक। पहले आप लोग मंदिर देखिए, मंदिर कैसा बना हुआ है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को मंदिर की खूबसूरती। जो बिल्कुल सामने दिख रहा है एक मंदिर, उसमें शिव जी का शिवलिंग स्थापित है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं, जूम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। और सामने एक घंटा लगा हुआ है, काफ़ी बड़ा घंटा है। और आप लोग वीडियो में बने रहें, ऐसे आप लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट करिए। और चलो आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं मंदिर। देखिए कितना खूबसूरत मंदिर है, कितना प्यारा मंदिर है। और करीब चलते हैं मंदिर के। तो आप सामने देखिएगा जो एक हवन कुंड है, आप लोग देख सकते हैं इसमें हवन वगैरह होती है। चलिएगा इस मंदिर पर प्रवेश करने से पहले घंटा बजाते हैं। और मंदिर के सामने देखिए लिखा हुआ पूरा विधवत नाम जिस जो मंदिर है, देखिए बिल्कुल सामने शिव जी मूर्ति स्थापित है। आप लोग देख सकते हैं शिवलिंग बहुत ही प्यारा शिवलिंग है और जमीन से ऊपर तक है। आप लोग देख सकते हैं सामने नंदी जी विराजमान है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है। घंटियाँ भी बहुत सारी लगी हुई हैं, आप लोग देख सकते हैं मंदिर में बहुत ही तादाद में घंटियाँ लगी हुई हैं और घंटियों को भी बजाते हैं। जो घंटी का चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और मंदिर से बाहर निकलते हैं। आप लोग मंदिर करीब से देखिएगा, पूरा जूम करके दिखा रहे हैं आप लोगों को। देखिएगा कितना खूबसूरत मंदिर बना हुआ है। और जाएगा इस आगे चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं। दो घंटे सामने देख रहा हूँ शेरावाली माँ का जस्ट मंदिर बगल में है। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत मंदिर है माता जी का, बहुत ही प्यारा सजाया हुआ है, चुन्नी भी ओढ़ रखी है, बहुत ही मनमोहक दृश्य है, बहुत ही खूबसूरत। और चलिए आगे चलते हैं, आप लोगों को और भी मंदिर यहाँ पर कई सारे मंदिर बने हुए दिखाते हैं आप लोगों को। ये एक बहुत ही खूबसूरत मंदिर बना हुआ है जो मंदिर के जस्ट पीछे साइड में है, करीब जाके दिखाते हैं आप लोगों को हम। ले चलते हैं, ये श्री गणेश शिव मंदिर है और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। इसमें ताला लगा हुआ, फिर भी आप लोगों को इसकी मूर्ति दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है, ये श्री गणेश है, नमः सिद्धि विनायक। आप लोग देखिए और गुरु जी से मुलाकात करते हैं। चलिए गुरु जी के पास चलते हैं, और गुरु जी के पास आ चुके हैं। तो यहाँ गुरु जी से बात करते हैं, पूछते हैं मंदिर के बारे में कुछ जानकारी वो देंगे जो आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। तो गुरु जी तालेश्वर मंदिर के बारे में आप उनको बताइए, कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। देखो ये श्री तालेश्वर धाम रायबरेली जनपद में यूपी के पड़ता है, खीरो कस्बा में खीरो थाना पड़ता है। जी जी, और ये बहुत ही पुराना जो है मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। इसकी कब प्रतिष्ठा हुई, कैसे हुई, ये कोई बता नहीं सकता है। इसका जीर्णोद्धार समय समय पे हमारे यहाँ के क्षेत्र के जो सम्मानित व्यक्ति हैं वो कराते रहे। उसी हिसाब से यहाँ की मान्यताएं हैं कि यहाँ साक्षात भोलेश्वर नाथ का जो है एक, जैसे कि ये प्रत्यक्ष माना जाता है कि अगर यहाँ आने वाले को नाग के दर्शन हो गए, सर्प के दर्शन हो गए, तो उसकी कोई ना कोई मनोकामना अवश्य पूरी हो जाती है। और यहाँ पर बहुत सी अलौकिक ऐसी घटनाएं इतिहास में बुजुर्ग लोग बताते हैं कि जैसे कि जो है देखने पे कि भगवान साक्षात जो है रात में भ्रमण करते हैं, उनकी शक्तियाँ भ्रमण करती हैं रात में जो है। जैसे कि एक कहानी चलती रही कि अभी यहाँ एक खेत किसान जो है अपना खड़ा खड़ा जोतता था रात में, सुबह भेड़ा हो जाता था, ऐसे ऐसे कई कहानियाँ। फिर लोगों ने ताका, ताकने के बाद जो है जब देखा तो वो भागे और वो यहाँ एक कुआं था उसमें वो चले गए।
जानवर सोने का हार, सोने के बैल वगैरह ये सब चले गए। और इसके बाद जो है एक सोने का सैला मिला जो माचमी लगता था, फिर भोलेनाथ ने उसे जा करके सपना दे करके उससे मांगा कहा। तो ऐसी कहानियां बहुत है। और जैसे गांव वालों ने परीक्षाएं लिया कि एक बार जो भी इस तारेश्वर धाम में 5 बार सोमवार को दर्शन कर लेता उसकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूरी हो जाती हैं। ऐसा हमारे क्षेत्र के और बड़ी बड़ी दूर से, जैसे हमारा जो है हम गुजरात वगैरह में घूमते हैं, वहाँ के लोग भी हमारे माध्यम से यहाँ आए और उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए, जिनका कहीं नहीं हुई वो यहाँ पर पूरी हुई। ऐसे ये जैसा कि आप लोग देख जान सकते हैं, यहाँ के मंदिर के बारे में बहुत ही प्रचलित कथाएं हैं और गुरु जी जैसे बता रहे हैं यहाँ की मान्यताएं बहुत है। तो बहुत बहुत दूर से आते हैं मंदिर के दर्शन करने लोग। गुरु जी इसके बारे में और कुछ बताइए। और ये कि जैसा यहाँ पर 4 मेले तो हमेशा लगते हैं जी। एक हटिया लगती है कार्तिक पूर्णिमा को, विशेष अवसर होता है सावन के चारों सोमवारों को, कभी कभी 5 सोमवार पड़ जाते हैं तो एक बहुत विशेष उत्सव मनाया जाता है। यहाँ के लोगों से इतनी बड़ी श्रद्धा है और यहाँ से क्षेत्र सब जुड़ा हुआ है, जिससे कि दिन पर दिन रात दूना चौगना जो है इसका विकास होते जाता है। और बाहर के क्षेत्र के लोग आते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करके, करीब करीब हफ्ते में 1-2 प्रोग्राम वो लोग स्वयं करा जाते हैं। ऐसा ही सुना है कि मतलब ये इनका नाम तालेश्वर क्यों पड़ा है। तालेश्वर ऐसा हुआ कि यहाँ एक विशाल सुंदर पर्यावरण के हिसाब से बहुत विशाल ताला था, तालाब है उसका अभी भी जीर्णोद्धार हो रहा है। और वो आप लोग दिखा सकते हैं वीडियो के माध्यम से, वो दिख रहा है दूर, देखिए आप लोग काफी बड़ी झील, उसी वही झील है, वो तालाब है आप लोग देख सकते हैं। और झील इधर से यहाँ करीब करीब ये काफ़ी बड़ा तालाब है। मंदिर के पीछे भी बहुत बड़ा था, उधर काम भी चल रहा है मंदिर के पीछे। यहाँ पर जितने भी दर्शक आए हैं करीब करीब जो है वो जो जुड़ते जाते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और हम लोगों को भी बहुत से क्षेत्र हैं, जैसे बेरावल वगैरह घूम करके सभी सोमनाथों को वो सारा सुख यहाँ ही प्राप्त हो जाता है। और यही हम सभी दर्शकों जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हों उनसे कि एक बार इस स्थान का अवलोकन जरूर करें और अपनी मनोकामनाओं को पूरी करें। और यहाँ तक जहाँ तक बताया जाए इसके माध्यम के इसके प्रभाव को, इसके माध्यम को उतना कम है। ये ऐसी इसकी महत्ता, इसका माध्यम हम वर्णन नहीं कर सकते जी। गुरु जी हम लोग किस भगवान का वर्णन कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी हाँ असीम असीम शक्तियाँ असीम है। धन्यवाद गुरु जी, और सब लोग प्यार से बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय। कालेश्वर भगवान की जय।